तो अब जो है आइसोमर्स के बारे में आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट काइंड के आइसोमर्स होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक जो है हमारे पास क्या है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, और सेकेंड काइंड हमारे पास आती है दैट इज ए स्टीरियो आइसोमर। इसके बारे में हम डिटेल जो है स्टीरियो आइसोमर्स हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो हमारे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ये फर्दर जो हैं, हम लिटिल बिट इसके बारे में समझते हैं सेशन में। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटेगरी द चेन आइसोमर, एंड सेकेंड वन इज वी आर हैविंग द पोजिशन आइसोमर। पोजिशन मीन्स द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एंड द थर्ड वन इज वी आर हैविंग द फंक्शनल आइसोमर। आइसोमरिज्म, सो दीज वी विल इन डिटेल स्टडी इन अवर हायर क्लासेस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दीज आर, एंड पोजिशन आइसोमरिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोजिशन ऑफ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एंड द चेन आइसोमरिज्म इज द अरेंजमेंट ऑफ द लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन। इन लॉन्ग चेन एंड ब्रांच चेन एग्जाम्पल वी विल डिस्कस हियर। Let us take the few example of the isomer, and one such is isomer is pentane. Now we pentane, its molecular formula is C5H12. Now if pentane contains the three isomers corresponding to the its formula, we can even find out the number of the isomers from the formula number of carbon atom. If the number of carbon atoms are 5, then the number of isomers will be given as n minus 2, that is 5 minus 2, 3 isomers. Now see, here we have drawn the isomers of the pentane. Now normally its normal structure will be 1, 2, 3, 4, 5 carbon, and let us complete its valences of carbon, and the exact compound is this one is normal pentane. It is a straight chain compound, and if we will change the position one by one, see in the first one case, this one is the first case जिसमें हमने क्या किया है कि फोर कार्बन्स को स्ट्रेट में लिया है और एक कार्बन को हमने जो है सेकेंड नंबर पे अटैच किया है, 1, 2, 3, 4। तो ये इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, और हाइड्रोजन्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, वो भी हमारे पास क्या आएंगे, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे पास जो है सेम जो है हमारे पास नंबर जो है मॉलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन हमने अरेंजमेंट कार्बन का डिफर कर दिया। तो इस कंपाउंड को हम जो है क्या कह सकते हैं, 2-methyl ब्यूटेन, और इसका जो अनदर नेम है, क्योंकि एक कार्बन से जब तीन कार्बन अटैच होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो वर्ड यूज़ करते हैं, तो आइसो पेंटेन।
सिमिलरली हमने इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब देखना है। इस स्ट्रक्चर में देखिए कि एक कार्बन से जो है हमारे पास चार डिफरेंट कार्बन्स अटैच्ड हैं। तो जब भी कभी एक कार्बन से चार कार्बन्स अटैच्ड होते हैं तो हम यूज़ करते हैं वर्ड नियो, एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स विल बी रिटन, दैट इज़ द फाइव कार्बन्स आर देयर, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ नियो पेंटेन, एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल पेंटेन। सो ऑल द थ्री पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन इज़ शोन टू यू। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इनसे एग्जाम्पल से हमें क्या करेक्टरिस्टिक्स पता चली आइसोमर्स की, चलिए एक बार रिकॉल करते हैं कि सभी जो आइसोमर्स हैं, ऑल द आइसोमर्स हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, और मॉलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर है लेकिन इन आइसोमर्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं दोनों की डिफ़र करती हैं एक दूसरे से ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को, जिसमें कोई भी कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज कॉल्ड आइसोमरिज्म, एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो मिनिमम जो है आइसोमर्स के लिए, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन रिक्वायर्ड इज ऑफ फोर कार्बन, then only isomerism is shown by that compound. तो इसका example है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। All these compound show the isomerism. Next, we will discuss about the our new topic, that is homologous series. अब ये homologous series क्या है? अब तक आपने different kind के जो है saturated, unsaturated हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सुना, हमने उनके स्ट्रक्चर्स लिखे, अब हम देखेंगे कि उनमें क्या सिमिलरिटी।